हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉफर्स लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आज आपका क्लोज हुआ है 5721.75 पे। हाई गया था 5874, लो गया था 5572। फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। ये एक बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका 34691.58 करोड़ और कंपनी के ऊपर डेट थे ओनली 1। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0, मतलब कंपनी लगभग आपका डेप्थ फ्री है। और कंपनी के पास अभी आपका कैश पड़ा हुआ है 402.30 करोड़, मतलब जो 1 करोड़ का डेप्थ है कंपनी कभी भी चाहे तो ये डेप्थ को चुका सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। यहाँ पे 1 है, मतलब बॉर्डर लाइन पे, तो अच्छा ही है, ठीक है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 50.18%। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 50.18% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 12.90% और एक एवरेज है। और ROCE आपका है 15.27%, ये भी अच्छा ही है। तो फंडामेंटली ये अच्छा शेयर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसका चार्ट पे चले जाएंगे और हर बार की तरह पहले बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को किसी भी शेयर का ट्रेंड सही से समझ में आता है कि कोई भी शेयर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अभी देखिए, मैंने इस शेयर का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया। अगर ध्यान से अगर देखेगा तो ये शेयर आपका मे महीने में चल रहा था लगभग 2880-90 पकड़ लीजिए, ठीक है। तब से ये शेयर कॉन्टिन्यूअसली अभी देखिए अप ट्रेंड हुआ है और एक हाई लगाया लगभग आपका 6000 का, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत गिरा लेकिन फिर से अभी ये शेयर ऊपर की तरफ भागना चालू किया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस जगह पे एक आपका टाइम है, ये आपका है 8 नवंबर, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। और आज के डेट में डेली चार्ट के हिसाब से ये शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। RSI भी देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है और लगातार यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करते हुए जा रहा है। मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये था आपका इसी साल लगभग फरवरी का महीना, ठीक है। यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा था। यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट हुआ लेकिन अभी इस वीक में फिर से यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा। और आज के डेट में ये शेयर 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। आपका RSI भी अबव 60 है और MACD अगर ध्यान से देखिएगा तो 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन लास्ट जो दो वीक का कैंडल है वो पॉजिटिव कैंडल हुआ है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आपका MACD का व्हाइट लाइन है वो थोड़ा सा बैंड होके हो गया है, मतलब ये आपका जो व्हाइट लाइन है ये आपका रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, मतलब वीकली चार्ट में भी हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो देखिए, अभी स्क्रीन पे मैंने इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका कब का टाइम था, पिछले साल मतलब 2020 जुलाई का महीना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ था। उसी कैंडल में आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। है थोड़ा बहुत बीच में हम लोगों को यहाँ पे रेड कैंडल मतलब नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, लेकिन कोई भी रेड कैंडल, एक भी रेड कैंडल देखिए सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल था इसको कभी भी तोड़ नहीं पाया। लास्ट कैंडल भी देखिए, लास्ट महीने का यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट हुआ लेकिन सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ नहीं पाया। और इस महीने फिर से यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और आज के डेट में इस शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है।
RSI भी आपका अबव 60 और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। तो MACD अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो ये शेयर एक तो फंडामेंटली अच्छा है, दूसरा ये शेयर डेली चार्ट में भी हम लोगों को पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, और आपका मंथली चार्ट में भी हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका तो करंट मार्केट प्राइस है लगभग 5720 का पकड़ लीजिए, लगभग अगर इसी प्राइस में इस शेयर को खरीदा जाए तो ये शेयर मेरे हिसाब से 6 महीने 7 महीने के अंदर 6500 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल का एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। धन्यवाद।